नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज तारीख है 4 अप्रैल, रविवार का दिन है और सुबह सुबह अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा इस साल जो आयोजन कराई गई थी उसका परीक्षा फल कल जारी कर दिया जाएगा। कल दोपहर में किसी भी वक्त जारी कर दिया जा सकता है। फिलहाल अभी औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है, लेकिन जो संभावनाएँ जताई जा रही हैं वो ये बता रही हैं, खबरें जो निकल के आ रही हैं, छन के आ रही हैं कि कल 5 अप्रैल को दोपहर में किसी भी वक्त मैट्रिक परीक्षा का जो परीक्षा फल है, रिजल्ट है, वो जारी किया जा सकता है। हम आपको बता दें, इस साल फरवरी माह में मैट्रिक परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 16,84,000 से अधिक परीक्षार्थी जो हैं वो शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर जो परीक्षार्थियों का कह सकें इंतज़ार है वो अब ख़त्म होने वाला है। कल मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तैयारियाँ जो है पूरी कर ली गई हैं। एक बार फिर से देश में बिहार जो है एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, बिहार बोर्ड जो है एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। सबसे पहले और सबसे तेज़ी से रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। हम आपको बता दें, जो टॉपर्स होते हैं उनका इंटरव्यू किया जाता है। फिलहाल कोरोना संकट का दौर है तो ऐसे में ऑनलाइन माध्यम से ही उनका इंटरव्यू किया जाता है, इसलिए थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है। फरवरी माह में मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन किया गया था, लगभग 16,84,000 से अधिक परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। अगर हम पिछले साल का रिज़ल्ट उठाकर देखें 2020 का, तो 2020 में जब मैट्रिक का रिज़ल्ट निकला था तो 80% से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो सफल हुए थे। और इस साल उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस बार MCQ क्वेश्चन जो हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, तो इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार रिजल्ट जो है वो पिछले साल से भी बेहतर होगा। हालांकि बिहार बोर्ड अपनी तैयारियां जो है वो पूरी कर चुका है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर 12 बजे या उसके बाद कभी भी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, ये तीनों ही मिलकर रिजल्ट जारी कर सकते हैं। आपको हम बता दें, फरवरी माह में ही इंटर परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद 26 मार्च को होली के त्यौहार से पहले ही इंटर का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया था। और अब जो खबर छन के आ रही है, कल यानी कि 5 अप्रैल को सोमवार का दिन रहेगा, रिज़ल्ट मैट्रिक का जारी किया जाता है 2021 का। ऐसे में तमाम जितने परीक्षार्थी हैं उनके दिल की धड़कनें ज़रूर बढ़ गई होंगी इस खबर को सुनने के बाद। तो ऐसे में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप धैर्य से काम रखें, आपके अच्छे भविष्य के लिए हम भी कामना करते हैं। कल रिज़ल्ट जारी होगा, आपका भविष्य जो है वो सुनहरा हो। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हम आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।